ये आदमी चावल से सोना बनाते हैं और इनके बनाए सोने को खाने के लिए आप खुद लाइन देख लीजिए कितनी लंबी लाइन है। देखो ओ तेरी भाई साहब लाइन ही खत्म नहीं हो रही है। आज से 30 साल पहले इन्होंने एक नॉर्मल से झोपड़पट्टी से शुरुआत किया था और आज इनका रेस्टोरेंट इतना बड़ा है कि इनके यहाँ पे डेली 10,000 के आसपास लोग खाने आते हैं। क्या खास है इनके खाने में, सब कुछ बताने वाला इस वीडियो में। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको देख के जबरदस्त मजा आने वाला है। नमस्ते भैया जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक है। सबसे पहले अपना और अपने रेस्टोरेंट का नाम बता दीजिए। इस दुकान का नाम है दादा बोधी रेस्टोरेंट। ओके, और कितने साल पुराना है? ये तो 70 साल पुराना है। 70 साल पुराना है? 70 साल पुराना। ओके, तो बिरयानी कब से स्टार्ट किया आप लोगों ने? बिरयानी चालू हुआ 35 साल। ओके, 35 साल से। तो क्या ऐसा दिमाग में आया आप लोगों का कि 70 साल का रेस्टोरेंट था, आपने क्या दिमाग में आया जो आपने बिरयानी चालू किया? तब तो बिरयानी का चल नहीं था, पहले तो दाल भात सब्जी बनता था। ओके, ठीक है, जो रिक्शा वाला लोग खाते था। ओके, और रिक्शा वाला लोग नाम दिया, हम लोग का दुकान का नाम है जनता हिंदू होटल। ओके, तो रिक्शा वाला लोग नाम दे दिया दादा बोधी होटल। ओके, जैसे दादू दीदा खाना बनाता है, दादू दीदा को देख के तो रिक्शा वाला लोग नाम दिया था दादा बोधी होटल। वही जो नाम हो गया दादा बोधी होटल, आज तक दादा बोधी होटल इस नाम से जानते हैं। ओके, इसका हिस्ट्री बताइए, कब कैसे चालू किया, कैसे हुआ सब कुछ, इसका हिस्ट्री। 70 साल पहले दादू दीदा बना था। 70 साल पहले? हाँ, उसके बाद 35 साल बिरयानी चालू हुआ। ओके, पहले तो एक किलो बिरयानी बनता था। अच्छा, सिर्फ 1 किलो? हाँ, 2 प्लेट बिक्री होता था, बाद में फेंका जाता था। अभी 1 किलो से जगह लेके अभी 2-3 हजार किलो मंसूर लगता हम लोगों को। क्या बात है। तो सर एक पर्सनल सवाल, कितने हंडी सेल होते हैं? अभी नॉर्मल में तो 50-60 होता, संडे को थोड़ा ज़्यादा होता, ओकेशन में थोड़ा ज़्यादा होता, संडे ज़्यादा होता है। तो आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? पर्सनल फेवरेट तो मटन बिरयानी। मटन बिरयानी, और क्या क्या आइटम्स मिलते हैं सर यहाँ? सब कुछ मिलता है अभी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, इंडियन, चाइनीज, तंदूर। ओके ओके, सब कुछ। और सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग क्या है, सबसे ज़्यादा क्या? मटन बिरयानी, सबसे ज़्यादा मटन बिरयानी मिल रहा है। ओके ओके ओके। अच्छा सर एक और चीज़ पूछना था, आपके यहाँ पे टोटल कितने स्टाफ्स काम करते हैं? अभी तो ये ब्रांच में करीब 300 स्टाफ है। 300 स्टाफ है इस ब्रांच में? और भी मैंने सुना था और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। और एक दो तीन चार हो रहा, और एक एयरपोर्ट में बन रहा। ओके, टोटल लेके 1,200 स्टाफ होगा। 1,200 स्टाफ हैं, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब जो यहाँ पे सिर्फ काम कर रहे हैं वो 300 हैं, आप फैक्ट्रीज को लेके अलग होते हैं? ये फैक्ट्री अलग से। फैक्ट्री अलग से? तो फैक्ट्री में कितने हैं? फैक्ट्री में 50 आदमी होगा। 50 ब्रांच होगा, तो हर ब्रांच का फैक्ट्री अलग होता। अच्छा, मतलब मैं मान लूँ 2,000 के आसपास। हाँ, मतलब आप लोगों ने 2,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। हाँ, हुआ है, बहुत बड़ी बात है सर। मैं चाहूँगा ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ो, बहुत अच्छा करो आप लोग। अब टेस्ट करने की बारी है, टेस्ट करेंगे कि आप लोग कैसा कर रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले हमने जो ऑर्डर किया था वो था डिमसम भाई, जिसका टेस्ट लाजवाब था। अब बंगाल में है तो फिश ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हमने ऑर्डर किया था डायमंड फिश फ्राई, वो भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद हमने प्यारे कबाब ऑर्डर किया एंड इट वाज जस्ट ऑसम। फिर आया यहाँ का स्पेशल मटन बिरयानी, एंड गाइस आप सिर्फ मटन का पीस देखो, आय हाय हाय क्या बात है। उसके बाद हमने ऑर्डर किया चिकन लॉलीपॉप एंड इट वाज आल्सो जस्ट ऑसम। ये मॉकटेल है, इसका नाम है तोमा की चाय। तोमा की चाय, मैंने दो ही वर्ड सुना है बंगाली में, बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो आमी तोमा के भालोबासी, मैंने रट लिया है, और एक नया सुन रहा हूँ तोमा की चाय। अच्छा, ये किसी लड़की को बोल सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो ये तुम आके चाहिए आ चुका है। एंड एट लास्ट बट नॉट अ लीस्ट हमने ऑर्डर किया फिन्नी, एंड गाइस अगर सच बताऊं तो इसका टेस्ट इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था कि मैं बता नहीं सकता हूं कितना बढ़िया था।